अपने फ्राइड चिकन के लिए मशहूर KFC सवालों के घेरे में है। हैदराबाद में KFC के फ्राइड चिकन में मिला है खतरनाक बैक्टीरिया। बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था बलाला हुकुल्ला संघम ने KFC के फ्राइड चिकन के नमूने टेस्ट फूड लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजे थे। जांच के जो नतीजे सामने आए हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। फ्राइड चिकन के नमूनों में ई कोलाई और सेल्मोनेला बैक्टीरिया मिले हैं, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। इनसे कैंसर तक का खतरा होता है। ऐसे बैक्टीरिया सड़क किनारे मिलने वाले दूषित भोजन में पाया जाता है। गौर से देखिए स्टेट फूड लेबोरेटरी की इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि फ्राइड चिकन के सैंपल में इकोलाई और सेल्मोनेला बैक्टीरिया मिले हैं और ये चिकन सेहत के लिए खतरनाक है। हम एक सैंपल, 5 सैंपल लेकर अपना स्टेट फूड लेबोरेटरी जो नाचारम में है वहाँ हम दिया है, दे चुका है। नतीजे में क्या है बोले तो सेल्मोनेला है, इकोली है और MSG है, मैग्नोसोडियम ग्लूटेन। ये जो भी है जान के लिए खतरा है। और इसके नीचे ओपिनियन लिखा है एनालिस्ट में, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड अनसेफ। इस रिपोर्ट ने KFC के फ्राइड चिकन का मजा लेने वालों के होश उड़ा दिए हैं।